नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक 205 नंबर लेटर निकाला गया है श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, लेटेस्ट लेटर है, कल का ही लेटर है, 3 फरवरी 2020 का, जिसमें विषय रखा गया है NRHM प्रबंधकीय वर्ग के कार्मिकों को जन घोषणा पत्र के अनुसार नियमित करने के संदर्भ में। संदर्भ दिया है पत्रांक 73/59/CSO/21 दिनांक 27 जनवरी 2021 के क्रम में। इन्होंने लिखा है कि महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों को नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही भर्ती संख्या 13/11 दिनांक 10 जुलाई 2013 को पुनर्जीवित करते हुए NHM कार्मिकों को नियमित करने के संबंध में निदेशक ए राजपत्रित को विभागीय पत्रांग 204 दिनांक 3 फरवरी 2021 के माध्यम से मूल ही अग्रिम कार्रवाई हेतु भिजवाया जा चुका है, अतः सूचनार्थ प्रेषित है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि NHM जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित करने का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य सचिव को यहाँ पर NHM ने पत्र लिखा है। साथ ही इन्होंने कहा कि भर्ती संख्या जो 13/11 है उसको जो पुनर्जीवित करने के संदर्भ में, जो भर्ती संख्या 13/11 है दिनांक 10 जुलाई 2013 की, उसको पुनर्जीवित करने के संबंध में जो निदेशक राजपत्रित है निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के, उनको यहाँ पर पत्र भिजवा दिया गया है। पत्रांक जो है वो 204 दिनांक 3 फरवरी 2021 को यहाँ पर भिजवाया गया। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पे आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। NHM ने मुख्य सचिव को यहाँ पर पत्र लिखते हुए NHM कार्मिकों के नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं होने का उल्लेख यहाँ पर किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, NRHM प्रबंधकीय वर्ग के कार्मिकों को जन घोषणा पत्र के अनुसार नियमित करने के संबंध में यहाँ पर पत्र लिखा गया था। पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत कार्य संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही जो भर्ती संख्या 13/11 है 10 जुलाई 2013 की, उसको पुनर्जीवित करने के लिए निदेशक राजपत्रित को पत्रांक 204 के माध्यम से 3 फरवरी को यहाँ पर लेटर लिखा जा चुका है। अतः यहाँ पर जो सूचना है वो सूचनार्थ प्रेषित है। परियोजना निदेशक NHM के हस्ताक्षर मौजूद है, साथ ही प्रतिलिपि दी गई है आवश्यक कार्रवाई सूचनार्थ। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्य सचिव को पत्र लिखते हुए NHM ने कहा कि NHM कार्मिकों को नियमित करने का यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है, नियमित करने का कोई भी यहाँ पर प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।